शुक्रिया। श्रीराम की तमाम जनता, हमारे प्रदेश के भी लोग, देखिए श्रीराम ने ब्रांस्ट ऑफ प्रेजन तेल, जो लोग जा करके टैंक करते हैं गाड़ी चलाने के लिए या जो तेल मशीन के लिए होता है, दुनिया भर में ये प्राइस जो है तेल का प्राइस, वेलत मार्क के बाद हम करने जा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले रहा फिर सीफन तक फिर एनन सीफन तक डॉलर पर बैरल। लेकिन सूरीनाम में जो दाम में बिकता है तेल वही दाम पर अभी तक है। देखो चढ़ाव उतार तो होता है दुनिया में, तेल के बारे में बात करते हैं बर्न्स्ट ऑफ प्राइसन के बारे में, लेकिन संदाम में एक ही प्राइस भरो भैया दुनिया में सीफन तक हुआ फिर सीफ तक, लेकिन संदाम का प्राइस वही रहता है। अब लोग मिनिस्टर स्टेफन शांग हाई का मिनिस्टर से बातचीत करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, ये मिनिस्टर तू हैंडल इंडस्ट्री का मिनिस्टर है, ये कौन तमाशा है? ये बात पूछने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर स्टेफन शांग डॉक हो गया है। वास्तविक बड़े एक बार उनका पता ही नहीं कहां है। लोग उसे पूछना चाहते हैं, मिनिस्टर दुनिया में प्राइस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर से फिर नीचे, एकदम नीचे। अब प्रेसवा सन्नाम के एक ही है, काहे कैसे हो रहा है? मिनिस्टर ये बात से यानी शायद डर गया होगा तो डॉक हो गया, लेकिन उनको बताना चाहिए का हाल है। हम लोग का पता चला है कि सूरीनाम में करीबन 6 महीना हो चुका है भाइयों बहनों, पोलिक्लिनिकन फ्रॉम द रेगियो नाल गेजोंटेस डीज आरजीडी, यहां ग्रिप प्रिकियस नहीं है। राजेंद्र रामोतार फोरशेटर फ्रॉम द फ्रीनिखी फॉर आरजीडी आर्सन बोले 6 महीना से ये नहीं है, और ये जरूरी पड़ता है जो औरतें पेट से होती है और कुछ लड़कन, उनको हम लोग को प्रिक करना पड़ता है। लोग उसको कहते हैं ग्रिप प्रिकियस, और ये प्रिकियस यानी अब नहीं है फोर रात में। ये तकलीफ की बात है, ये दुख की बात है। जीटन हाइजन को 100 मिलियन मिला है, ये 500 नहीं लेकिन 100 मिलियन सभी 5 सिकेंड हाइजन को, ये 5 सिकेंड हाइजन को मिला करके 100 मिलियन, 1 सिकेंड हाइज के नहीं। तो राठवा मिनिस्टर्स खुद क्योर किया है 100 मिलियन ये सिकन हाइजन के लिए है। अब देखो जैसे हम लोग को पता है कि मेजर सैंडिंग को भी 11 मिलियन दिया गया है, अब सब दवाई सब कुछ समय पर मिलेगा कि ना मिलेगा, क्योंकि 100 मिलियन बहुत पैसा होता है भाइयों बहनों। आरएनए तो रोज होता है, एक मोटर गाड़ी शाखोम पर स्ट्राट दंगस्टेन स्ट्राट की तरफ जाना चाहा और फोर रन नहीं दिया, एक ब्रोफिचर को धक्का लगा दिया, ब्रोफिचर ज्यादा घायल हुआ, इन्हें एम्बुलेंस के जरिए स्पोर्ट एशन हेल्प को पहुंचाई गई है। भैया बुधवार के सवेरे के बाद सुनियो, 14 हाइटियानन को गिरफ्तार किया गया है, येलोनिकेरी से परमारिबो की तरफ आ रहा था, हेइनार्स पहुंच गए थे, अब ये लोग परमारिबो की तरफ आ रहे थे। अब पता चला है उससे पहले ये लोग कॉफर ले करके अफडामिंग वहां ये लोग पैदल चढ़ के आ रहा था, सिपाही 9 लोग को गिरफ्तार की है हाइटियानन को, सिपाही जो है पुलिसी कोरोनी के मदद दिया, और जो गाड़ी चलाता था जब स्टीडर नितिन राम हां
ड्रियन ट्वेन तक हाइटी आनंद को इनकी सवारी में था। नितिन राम को पहले सिपाही ले जाकर के बंद करी से है। एक बस्तियों के नाम है जितेन एर, जितेन एर। तो यह भी इनसे पूछा गया कि ये फलाने के कहां लेकर के जा रहा है। ये यूनियन में एक दफे गिरफ्तार हो चुका था, समझे ना, बस उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रियन ट्वेन तक एल खालन आन खोडन, एगो ड्रियन ट्वेन तक और दो बबुआ की जो इन लोग को लेकर के आते थे वो दोनों भी गिरफ्तार हो गया है। एक मोटर गाड़ी भैया बोले कि कंट्रोल स्टीयर से छूट गया और हाना सुरेश व्याक के जंगल में जाकर के गाड़ी उलट गया। हाना सुरेश के जंगलिया जो है ना काका, वहां घुस गए, उलट गया और किसी कोई के चोट नहीं लगा लेकिन गाड़ी बर्बाद हो गया है। कल मैंने कहा था कि नीदरलैंड का एक मिनिस्टर, मिनिस्टर के नाम स्टेफ ब्लॉक, स्टेफ ब्लॉक सूरीनाम के खिलाफ कुछ बातें कहा है कि सरनाम एकदम फाइट है, बांकरूत फाइट हो चुका, क्योंकि जनता यहां पर अलग अलग विचार के जनता अलग अलग रास्ता से चल रहा है, यही कारण है कि सूरीनाम एकदम फाइट हो चुका है। यानी एथनिस, जैसे जो कहा मल्टी एथनिस रिलीज एंड कल्चरल, ये जनता अलग अलग यहां है, इसी कारण से सरनाम फाइट। एक मिनिस्टर ये बात ने कहा, पहले तो सूरीनाम की जनता ये बात से काफी खफा हुए हैं, हमारा बेल्टलांसाक का मिनिस्टर नीलकंठी जूली को या फ्रेडरिक्स जो तेजलक साखलास्तक जो है इन नीदरलैंड इन सूरीनाम, उन्हें तार मार करके बुलाया और कहा कि ए भैया फ्रेडरिक या फ्रेडरिक, तुम्हारा मिनिस्टर के दिमाग कमा है। तो बोले क्या बात है कि जो उल्टा पुल्टा बात कहा है, एक प्रोटेस्ट नौता ये है, सरनाम के सरकार ये प्रोटेस्ट नौता तुम्हें दे रहा है, अपने मिनिस्टर को भेज देना। दस सूरीनाम फरवाक द स्टेफ ब्लॉक द नीदरलैंड्स मिनिस्टर फ्रॉम बेल्टलांड्स ज़ाकन अब द कॉर्ट्स मोगलिक टर्मेन zijn gewraakte uitspraken over Suriname intrek en zijn excuses aanbiedt aan het volk van de Republiek Suriname. Excuses. Matlab ki step blok ko pehle bolek chahi ki jo baat maine Suriname ke khilaf kaha hai, Suriname fait hai kyunki jati paksh jada wahan hai Suriname mein, इसलिए हम माफी चाहते हैं। और ए सरनाम की जनता, हम आपके सामने हाथ जोड़ करके या झुक झुक करके हम माफी मांग रहे हैं। ए जनता सरनाम के, हमारा नाम स्टेफ ब्लॉक, हम मिनिस्टर है नीदरलैंड में और हम माफी चाहते हैं सूरीनाम की जनता से कि जो हम गलत बात सूरीनाम के लिए, सूरीनाम के जनताओं के लिए मैंने कहा वो गलत है, इसलिए हम झुक करके माफी चाहते हैं। अब देखो ऐसे माफी मांगे कि ना मांगे, कि ठेंगा दिखा दी, तू जाले चीज हुआ कैसे काका ए भैया। ये जो फेलिकालियन बदरेफन है, फेकालियन बदरेफन बोले कि सुनना, फेकालियन बदरेफ बोले हम लोग औद्री हांकर्स जो देसी वालिका के है उनकी गुजारिश पर हम लोग 250 हर एक क्वार्टल पैसा उनके कास में स्टोर करते हैं कि जो डाम सड़क से हम लोग जा करके हम लोग ने फेकालियन गिराते हैं
वो दाम हमेशा ठीक रहना चाहिए चलाने के लिए। ऐ खनार फंद फरसिबंद फीकार ये बदरेफन, मतलब तुम सारे हम लोग को धोखा दिया, धोखा दिया है। औदरी औदरी पैसा ले करके डमवा नहीं बनवाती है, दाम पर शांती है, बड़का बड़का ईटा है। हम लोग को जो फीकार इनके पिकअप पास होते हैं तो धक्का लगते नीचे ढम ढम, बोले कि रास्ता को बनवाना चाहिए औदरी को, क्योंकि औदरी 250 नोट करवाती है लेकिन दाम नहीं बनवा रही है। इसलिए बदरेव के एखनार गुस्सा से है, गुस्सा है देशे के ऊपर। उतना गुस्सा न करियो भैया, देशे के फुसला लो तुम्हारा काम बन सकता है। एक आदमी के नाम है हंस, 55 साल के है हंस। हंस अपने त्रिस्टिफ डॉक्टर्स, एक 7 साल एक 9 साल, भैया जाकर के नालिश की है कि इनका पति हंस फेई इनका 2 बेटियां को बलात्कार की है। दोनों बेटियां को ये हंसवा अपना अपना हवस उतारी से इन दोनों बेटियां पर, सेक्सुअल हैंडलिंग मेट सेन टू स्टीफ किंडरन, एन फान सेफर या एन फान नेहर। मैया को पता चला ये बात, मैया जाकर के नालिश की और हंसवा गिरफ्तार हो गया। शिखलिन ब्रेन हार्ट जो रेक्टर है बोले कि 3 अगस्त को ये मुकदमा में फैसला सुनाएगी। क्यों रेक्टर पूछे लड़कियन से तो इस्तीफा दर का करी सर, नहीं से फरता हो दादा इस्तीफा दर बैठा खसलाख दिल स्पेल द। प्यारे प्यारे लोग, रोज कोई न कोई पखंड, कोई न कोई हादसा, कोई न कोई चकल्लस ये सरनाम में होता है। भला बताइए काका, ये चिजवा काहे के हुए तुर दसवा में, काहे के इंसान के दिमाग में गोजर लग गई है, जाली लग गई है। 8 साल के सजा अख्तियार सेल्स तरफ ऑफिसियर ने मांग की है, 3 अगस्त को इसमें ऐश पराक रहेगा। रेक्टर सीखली वेन हाथ बैठा था कुर्सी पर, 16 अगस्त को हथौड़ी लगाएगा तफड़ा पर दम से, क्योंकि श्रीमती फालखा दी पर इल्जाम है वो अपने पति देव को हेंड्रिक वेस्टब्रुक को घर में बंद करके ताला लगा करके आखिर आलाम में घर में आग लगा दिया। ये दोनों में झगड़ा होता था हमेशा। हेंड्रिक वेस्टब्रुक जल करके देहांत हो गया, आखिर आलाम उसी मकान में। कोर्ट कचहरी हो रहा है, ऑफिसर ने सबूत सामने पटक दिया, फरखा दी जो अभी तक बाहर घूम रही थी, फरखा दी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोखसार इस अद्वेश नित खलीफत दत फरखा दी ऑफसेटलर अन खोरदेन आउटांस अन स्टिक स्टॉफ इन ब्रांस्टाक इन अट हेश तेहो फरखा दी इस 10 jaar सेलस्ट्राफ met onmiddellijk gevangenenemen geëist. Sigrid Beinhard, 16 augustus ko, hathauri khub chamkai umka karke, jab ye mukadma shuru hogi, to Sigrid Beinhard, jinke samne 10 saal ke saza ke maang hui hai, wo hathauri jor se maregi ya dheere se maregi, या सोच समझ करके हथौड़ी चलाएगी, ये 16 अगस्त को होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर हेंड्रिक वेस्टब्रुक उसी आग में जल करके
जिनका मृत्यु हो गई है। ए काका, रोयवा भी जज के सामने, रॉय को भी जज के सामने ला करके खड़ा किया गया। हम हर रॉय के बारे में बात करते हैं, 40 साल का है। इनको भी लोग लेरोय हा कहते हैं। यह 4 साल जा रहे सांतो बोमा, अब वे तो ऐसे हैं 4 साल। 2 अगस्त को रेक्टर इसमें मुकदमा में फैसला सुनाने वाली है, क्योंकि ये 14 साल के अपने औरत का निख्त, रोयवा अपने औरत का निख्त को बलात्कार की है। सेक्स मैचर 14 साल रखन देखिए फंस एंड फ्रो। रेक्टर बोले तो के शर्म न लगे, कुछ शर्म न लगे और कुछ बोले हुए रेक्टर वा, तो अपने औरत के निख्त के बलात्कार कर ले है। इनके बेरदर केरन तो हवस उतार ले इस बच्ची पर, घर में करत रह ले के उठा करके पेंशन को भी ले जा रहे थे। हम रोयवा के बारे में बात करते हैं। Hey, they got in the warning and in a pension oak. जब उनके उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया तब ब्राखते हैं मेशर नार अम पेंशन अम सेक्स से बुद्रेफन। इस बच्ची के बप्पा जाकर के नालिश की है, क्योंकि ये रोय हां अपने ये बच्ची को बार बार बैल काट खरीद खरीद करके दे रहा था। ये बच्ची अपने तंत जहां रॉय है वहां पर रहती थी। मुझे बता था कि ये बच्ची का उम्र 14 साल की है। ये कहते हैं कि हम इस बच्ची पर दीवाना हो गया हूं। ये झूठ बोलते जज के सामने खड़े, बोले लड़कियां पहले हमसे बोली से, बोले ओम चीजवा कैसे लगे तई चली दिखाओ ना मैं तू बेशरम आदमी, रेक्टर के सामने ऐसे कहा। फोकस एम फ्रूख है सलाह तो पर एस ओम सेक्स वार में है मेकिंग। ऐसे ऐसे बड़ी कहानी है बाप। ऑफिसर बोले ये बड़ा आदमी होकर के शर्म लाज नहीं है। रेक्टर हथौड़ी को खूब चमका चमका करके रखी से, और 2 अगस्त को देखो रेक्टर क्या करने वाली है इस मुकदमा में। भाई बहनो, एक प्लेग मुदर एक प्लेग शो उनके कमरा में ले जा करके, और ये प्लेग मुदर अपने आप को यानी अपना हवस मिटाई से एक नौजवान से, एक लड़का का एक दूसरा भाई एक चार करके एक जगह पर खेकी पर, और ये सब तमाशा देखे है कि ओकर भाई कैसे पहाड़ पर चढ़त है। ए काका, हम तो क्या का बताई, हम तो क्या का बताई, बुढ़िया हो करके शर्मलाज बिक गए है हमारा देश में। एक नौजवान से के शक सिखाता है कमरा बंद करके, दूसरा भाई चार करके सब तमाशा देख रहा है। रेक्टर बोले हम खुद उछला जहां पर से उनका छोटा भाई खड़ा हो करके होल में से झांकी से। रेक्टर बोले हम भी देखना चाहते हैं ये सच बात है कि झूठ बात है कि एक लौंडा ऐसा चीज पर चढ़ावा। हम कहा तो क्या बताई मौसी, समझाई तुम कैसे समझाई, अब तू ही बताओ। एक नौजवान को पहाड़ पर चढ़ा गई है, वो न जाने की कहा गंगा कहा जमुना, वो तो खोजत रहा हुई। बाकी भैया हमारे हमार दिमाग के तू न गुस्सा कर लगा बाप, वरना भी सब प्रोग्राम खत्म उत्तम कर करके हम जाकर कहीं स्वयं बात में नहा, समझे ना भाई बहनों। टीनर में ब्रोफिच आंख हो गया, दे आर 16। ये मंगल के रात्रि को गिरफ्तार हुआ है वानिका में,
एक ब्रोफिस बचा ब्रोफिस सिपाही बस्तात में लिया, क्योंकि ये तुलसी व्यक्त बेई आप पर वहां या तुलसी व्यक्त वहां चोरी की है। एक औरत का लूटी से मोबाइल टेलीफोन हॉद और बैल हाउस कैटिंग। अच्छा सिपाही तो इनको गिरफ्तार किया है, अब आगे बात अंधसुख होगा। टीनर में ब्रोफिस आंखों होजन। आगे चल करके भाइयों बहनों हमारे सूरीनाम के हरे जनता, अरे दादा अरे दादा सूरीनाम, सूरीनाम में बड़ी खवैया बाप गोश खाने के आदमी, अरे दादा अरे दादा 12 मिलियन किलो सूरीनाम कंसुमेट 12 मिलियन किलो केप ऑफ यार बासेस। सूरीनाम कंसुमेट 12 मिलियन किलो केप ऑफ यार बासेस। ये खवाई बाप रे बाप, इतना खवाई गोश के सन्नाम में, वही के कारण से सभी के गाल लटक लटकल 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 गाल है बप्पा। ये तो रतिया और गिनुआ दिन भर खड़ी गोसवे खाते रहते हैं, बहुत गोश खवैया है देश में बप्पा बहुत। पुलिस यूनिफॉर्म से आउटवे के सौंदर फॉर फोर, तो समझ गए आप लोग लिफोर्नो का पुलिसी जहां पर आप तार करके नालिश करते वो नहीं आता है आपके लिए, क्योंकि वहां फॉर फोर है ही नहीं। सब लोग ने सवाल किया कोरोशेफ से या कमिश्नर स्क्रीनोरूशन हॉफ से सवाल किया कि जो 3 पुलिसी कमिश्नरसन को जो हटाया गया उनकी कुर्सी से, ये पॉलिटिक के कारण से, तो वो कहा जी हां पॉलिटिक के कारण से। अब कोरोशेफ जो है वानीमन बोले रूशन हॉफ से पूछेगा काहे इतना गलत बात ये कहा है कि पॉलिटिक के कारण से हटाया गया है। गेट सेट वानीमन कोरोशेफ इन पैस बरेख एट इज नीट डाइजलक हु कमिश्नर स्क्रीनो रूशन हॉफ deze verkeerde mededeling heeft kunnen doen op een vergadering of een meeting. Ki ha politiek ke wajah se 3 log ko kursi se hata alag kar diya gaya hai. Hamare pyare log, ab hum kaat hain batai, hum kitna baar insaan se baat chit kar rahe the, kya hai पुलिसी मेयर सौरख मंगल के रात्रि को उन्हें खबर मिला कि एक नौजवान वैजंबॉस ब्रोकी से सूरीनाम रिफील में कूद करके जान देने वाला है। घर पर यानी झगड़ा हुआ, उनकी घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा के बाद में ये गाड़ी लेकर के वहां से भगा कि हम आत्महत्या करने के जा रहा हूं। लड़का के बाप घबरा गया, तुरंत सिपाही को खबर दिया। नौजवान गाड़ी लेकर के भगा, लोग ने कहा कि वो शराब पिए हुए थे। सिपाही उनके घर आया, सिपाही और इस लड़का के बाप एक गाड़ी बैठ करके पीछा किया, और जब पीछा किया वो आकर के वैजन बॉस ब्रोकी पर पहुंचा। ऑन द कंट ऑन द मेयर सड़क वेग ऑन द मेयर सड़क वेग क्वान द फादर से सोन तीख एंड हेट खुलुक्त द पुलिसी और हेट फोरते ऑफ द ब्रुक क्रम चरेडन। सिपाही अब बाप उस तरफ मेयर सड़क के तरफ, जब गाड़ी लोग देखा तो ये गाड़ी को रोका, जबरदस्ती रोका सिपाही। ये लड़का जी ये देखा कि हमारा गाड़ी ये लोग रोक रहा है, इस मोटर गाड़ी को पीछे चलाने लगा,
De jongeman reed achteruit. Kus door te zalaker die turend gari banden kar dia, roken dia. Kus gari me se utar karke, al turend riba me koet panel. Ek baal ke aag ke samne ise ek beta koet karke ise riba me apna jaan de dia. बाप ने समझाने के लिए गया था, उनका पीछा किया, सिपाही लेकर के बेटवा के रोका जाए कि कोई गलत काम न करे, लेकिन बेटवा गाड़ी पीछे चलाकर अख्तराय जिसे कहते हैं मुरोकी पर अख्तराय चला करके, अब बाप पीछे दौड़ रहा है, सिपाही पीछे उनके दौड़ रहा है, वो गाड़ी स्टॉप करके अचानक गाड़ी में से कूचर करके और तुरंत रीबा में कूद पड़ल। कैसे बाप देखे कि एक बेटा कैसे कूद रहा है, कैसे जान देने को जा रहा है। यंग मैन रेड अख्तराइट ब्रक से वाहन टॉट स्टिल स्टैंड स्टार्ट एज स्प्रोंग इन एन इमोशनल टूस्टैंड फ्रॉम द ब्रुक। द फादर कीक मेट लीड ओगन टू हुसैन सोन इन द रिवर स्प्रोंग। De maritieme politie, als sab lo, parivar lo, ye naujwaan ka laash talash kar raha hai Suriname rivier mein, ke ek beta ghar mein jhagra karne ke baad ghar se bhage hai gaari lekar ke, agar baap ne ye baat suni, sipahi ko tar ke, sipahi tani jaldi kar hamara beta ko rok, wo aatmahatya karne ke ja raha hai। सिपाही कोशिश की, सब लोग कोशिश की, लेकिन अबेर हो चुका था। ये लड़का फिर भी वही गाड़ी से पहुंचा ब्रोकी पर और कूद करके अपना जान दे दिया है। यंग मैन स्प्रिंग एट बूस हेट फ्रॉम द वेडबॉस ब्रो, इनका लाश अभी तक नहीं मिला है। प्यारे लोग, हमें इस बात से बड़ी दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि हम लोग कितनी बात करते हैं लड़का लड़कियां से कि आत्महत्या मत करो, खुदकुशी मत करो, क्योंकि आप ये करके अपने बाप और मां को जिंदा जिंदा मौत दे करके चला जाते हैं। ये लड़का नशा के रूप में, घमंड के रूप में, अहंकार के रूप में अपना प्राण दे दिया, लेकिन बाप और मां जिंदगी भर तड़प तड़प करके जिंदगी बसर करेगा। यह बड़ी दुख की बात है भाई, एक लड़का लड़की अपने बाप और मां को इस तरह से सजा देता है। उस बाप के आंख के सामने कैसे लड़का कूद करके जान दे दिया, भला बताइए। अब आप कहेंगे बप्पा न ठीक है, मैया न ठीक है, ये बड़ी अफसोस की बात है भाई, हम लोग के बहुत दुख लगा ये बात से कि लड़का लोग अपने बाप मां के साथ ऐसे गद्दारी भी कर सकते हैं। परिवार को हम शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। यूनिवर्सिटी के इंस्क्रिप्शन फरहूख हो चुका है भाइयों बहनों, फरहूख नार 1850 एसआरडी 1850 SRD। अब आप ना बोलियो कि लिलियन कराई से, नहीं, अंतर दुकम यूनिवर्सिटेट गुजरे साल ने 1500 ने लिया था और अब से अंतर दुकम यूनिवर्सिटेट 1815 ये पैसा अनफांग किया है। Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, moet men nu 1250 neertellen. Aise paisa aapko lagega. Bhaiya bappa je paisa bharega, to tumhe dimag se daura karke aur diploma hasil karna padega. Varna, itna paisa ke kharcha aur aap na padhenge, तो आप गद्दारी करेंगे। एरिया
Elias, minister Antoine Elias. Volksgezondheid, minister. Wolle 80% medicamenten aangeja he Suriname. 80% medicamenten aan chuka he. Aapko ghabrane se, ghabrane nahi chahiye. Kyunki ye sab aangeja he. Professoren aan ten de Kom Universiteit is wat 60% paisa jada kamate hain minister se ya DNA voorzitter se jada. 60% professoren aan ten de Kom Universiteit in okatan ga verhoog hua hai. Is verhooging se 60% wo jada kamayenge minister se jada aur DNA voorzitter. Kyunki agar ye log ko paisa nahi milta to pyare pyare log hincha tani rehta samjhe na kaka isliye sarkar ne de diya hai aaj janta hum to ke ye baat samjha de taki wo aapko samajh mein aa jaye samjhe na bhaiya ab hum dekhila प्यारे प्यारे लोग सुरीनाम के जनता देखो ये सब जितना कारोबार है हो रहा सुरीनाम में और ये सब अखबार उसके बारे में जिक्र की है लेकिन अमतनार लगन अमतनारन जो है वो अमतनारन समझ गया है कि सीएलओ उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है सीएलओ होल्ड द अमतनारन फॉर द हैक अब सुन तमाशा समझे यहां पर Zolang de ambtenaren zich laten leiden door de huidige elite van de CLO, zal hun positie niet verbeterd worden. De afgelopen 2 jaren werden ambtenaren een worst voorgehouden van 111% loonsverhoging. De algemene bekendheid door Jante heen, CLO-elite, miskien, hooguit. Swaipersaad, telting. Ye log ke paisa, in log ke kamai to ho chuka hai. Ye log barka darja baitha. Aur amtenar ke samne, ek suwar ka wars leche khada hai lekar ke. Hai? Ki 111% aapka looser hoke hota. Thenga kuch nahi abhi tak. Assembly mein baith gaya hai Ronald Hoogaard. Miskin minister ho chuka hai. Ye log raja ke kursi hasil kar chuka hai. Amtenar ko kya mila hai? Amtenar ko kya mila bappa? Bhaiyo bahino ji sab jante hain. Sarnam ke amtenar apne leader ke baat sunte rehte hain. Leader jo taraf le jayega wahi taraf badre bhi jayega. Jaise ek bedrijf Marienburg vakbeweging is bedrijf ko naast kar diya jahan par ek bedrijf chalta tha jahan par seven parivar ka roti chalta tha aaj wo ghar se beghar ho gaya vakbeweging sabke naast kar diya Brazil, jisse Brazil met triplex platen, multiplaten. Aur makan khud, ek jabardast makan ke sabhi material khara ho jaya karta tha. Wo Brazil aaj band ho gaya hai, fakbeweging, unko bhi band kar diya. Kal Guyana apne program mein dikhaya kaise wahan triplex plat banta hai Babun Houd ke zariye. Kitna sahi tarika se ट्रिक प्लस प्लांट बनता है और एक्सपोर्ट के लिए जाता है गयाना के ट्रिक प्लस प्लांट अभी जनादन बनता है और वहां
पूरा मकान की लकड़ी वो लोग सीख करके यहां से गए थे। मुझे मालूम है जब वो गया ना कि दिल खासी ब्रंजिल पर आए थे देखने के लिए कि ब्रंजिल में कैसे त्रिप्लस प्लाटिन बनता है मल्टीप्लाट और कैसे एक पकेट घर के पकेट कैसे तैयार होता है। वो गया ना आज करता है उनका सभी सामान एक्सपोर्ट होते करीब में अभी मैंने कल देखा गया ना देहा के शुक्र पन्नासी में जब पता चला कि फक बवी सब उखाड़ रहा है तो गयाना के अगुआ काल लोग गए साउथ अफ्रीका जहां से गधा किन किन के लाइन है। गयाना की शुक्र पन्नासी पर गधे रखा गया है केन केन ट्रांसपोर्टेर करने के लिए गधा सवन गधा वहां पर है जो केन को ट्रांसपोर्ट कर करके और फैब्रिक की तरफ लाता है। अब आप गधे के साथ एक फक बुरीखी बनाएंगे तो गधा ना हु करेगा गधा तुम्हें लात मारेंगे मारेंगे लात तो गिरेंगे फट से बोल कहां कर ले इधर है लो तो गधा वहां पर है और वहां कोई फक बुरीखी बनाना नहीं चाहता है। से अलो हाउ द अंत नारे फॉर द हैक है? अब देखो अंत नालो क्या इसके बारे में कौन कमेंटार देता है। Criminelen schieten op 63-jarige slachtoffer. Ik toe. Bechari zo rehi he. Tier sat saal kumil me zo rehi he. Nakuna bade kurr kurr. Bewooster in diepe rust. Jabo deke he. Ki daakul wunki samne pistool de kerke kare he. To bechari te chonk gail. $500 मोबाइल टेलीफोन गहना सब उतरवा लिए और बालकन पर चढ़ करके कूद करके वहां से फिर भाग गए हैं। ऐसन ऐसन चोर काका ऐसन ऐसन चोर तुम्हारे ही देशवा में रहते हैं। मान आन को होजन फॉर डिस्टल फॉर खास सिलेंडर 56 साल का स्टीफन डुम्पू 7 तारीख को दो दबेर दरफान अंस्टंट हो दरफान द फ्रीसा मार्क आंख हो जे सिपाही को तार किया सिपाही पहुंचा है और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास सिलेंडर चोरी कर करके अब ये जा रहा था। तो आप जनता देखो भैया अब क्या हम तुम्हें बताए का कि ये सब संदेशा हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो संदेशा अकबर ने जिक्र की है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंग बेस्ट मैट पाशा सीस बलंत इन खूत ना बे हेवी स्पाम पाशा सीस ली है दी है कंडाल में घुस गया का हम तो क्या बताला वो चिल्लाहट है वो चिल्लाहट तो क्या बताइला देखे हम बताएगा ये बीफे के सवेरे के बात है। इंदिरा गांधी व्यक्तर हो इतफा हेवी फार्म एंड लैन बेस्ट पाशा सीस जिसमें स्कूल केंद्रन भी है कंडाल में जब घुसा जब गाड़ी कंडाल में जाकर के रुका है तब हल्ला दंगा होने लगा। तो भाई बहनों यहां पर्सोन हो तो सामने आया यही भेलते वो भेलते लैंग्वेज लिंक्स गया तो रेस गया यही करत फल गाड़ी घुस गए कंडाल में द ऑटो बस्तूर डर हेफ्ट एवन खरेम एंड इस खलेकदार ना दूर खरीदन समझे ना प्यारे प्यारे लोग। और अब ये अब शोंदा इन जूली इज द सेफ ना फेव तक यार का फुटखांगर यो सफीना मुजस्कुरो दौदलक आखरीदन दोर पर्सोन ऑटो फ्रेवल दसेल्फ द लोकेशन वहीं पर जहां पर ये बेस उल्टल है वहीं पर एक औरत का भी मौत हुआ है दाम सड़क पर समझ लो प्यारे लोग। अब हम कहा बताइए भाई साहब
और मुझे ये सब बात आप तक पहुंचाना था भाई बहनों। आज मुझे खबर मिला है कि चांदी शाह के जहां पर एट कैट के बुरुकी है वहां सरकार उपमार वर्ग के जो अफदीलिंग है वो लोग वहां डाम पर काम करने लगा है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं चांदी शाह के बारे में जिक्र किए हैं, चांदी शाह को असफल फेर करना चाहिए, वो दाम को फिर से उखाड़ करके शांति भर के सीधा करके रास्ता और उसको असफल फेर करना चाहिए। पता चला कि जहां एक का एक ब्रोकी है वो कोना जहां भैया तौला रहता है वही के सामने तनी मनी कुछ लोग किया है, ईटा उटा हटा करके शांति भरे हैं, लेकिन चांदी चौक भर रास्ता को लोग को असफल्टेयर करना चाहिए। सब लोग तो चांदी चौक में रहता है, इसलिए हमारा बस्तीर जो वहां पर है क्रेमासी ओर का बस्तीर, आप से जानते हैं भैया प्रेम बुद्धू के, प्रेम बुद्धू वही चांदी चौक का निवासी है, उनसे हम निवेदन करेंगे। और बस्तीर रॉबी गजराज आप लोग तनी होशियार हुई जाकर के देखियो कि रास्ता पर कुछ करे सरकार की ना करे। और क्रेमासी ओर के रास्ता मैंने सेक्रेटर से आज बातचीत किए थे, उन्हें कहा कि वहां काम हो रहा है जो क्रेमासी ओर की तरफ रास्ता जाता है वो रास्ता को यानी कि स्क्रीबर होना चाहिए, सब होल को बंद करना चाहिए ताकि वहां गाड़ी आ सके जा सके। इसलिए चांदी शाह की जितनी जनता है आप लोग के लिए जो वहां क्रेमासी ओर बनाया गया है, अगर आप लोग चांदी शाह को नहीं बनवाएंगे तो शायद मोटर गाड़ी लेके वाहन वहां नहीं पहुंच पाएगा। चांदी शाह को पहले लोग को बनवाना चाहिए। देखिए सूरीनाम में निकेरी में एक क्रेमासी ओर है जिसका अगुआकार और देखभाल करते बस्ती भैया सुखा सनात धर्म के बस्तियों जी से हमने सुने हैं, उनका देखभाल वहां करता है। हमारे वैखना से ही में श्रीमान राज उदित जो एक खनार है उनका वहां पर क्रेमासी ओट वैखना जे पर है, वो भी बहुत इन्वेस्टियर की है, लोग वहां जा रहे हैं। और एट कैक में एक स्टेक्टिंग जो है वो भी जनता के लिए एट कैक पर एक क्रेमासी ओर खड़ा किया। ये तीन क्रेमासी ओर है और ये एट कैक वो जनता का है, इसलिए जनता को चाहिए रास्ता वस्ता ठीक करवाने के लिए ताकि कोई का दिक्कत न हो वहां पर दाह संस्कार करवाने के लिए। तो भाइयों बहनों आने वाले दिनों में हमारा दो बस्ती वहां पर रहेगा भैया रॉबी गजराज और आगे चल करके प्रेम बुद्धू जो हमारा बस्ती में है, इन्हों से गुजारिश है क्रेमासी और वैख के लिए यानी जाकर के इंस्पेक्टर करने के लिए देखने के लिए कि रास्ता ठीक है कि रास्ता ठीक नहीं है। और चांदी शाह पर जितने जनता रहता है आप लोग को अपना रास्ता इतना अच्छा रास्ता को देखो लोग बड़का बड़का ट्रक चल करके उसको बर्बाद कर दिया, आप देखते रह गए हैं। आप लोग को इस बात से यानी कि आप लोग को अपना आवाज को उठाना चाहिए कि जाम टूटते जा रहा है और कोई कुछ नहीं करता है। तो हम लोग मिल करके इस समस्या को हल करना चाहिए, दाम को बनवाना चाहिए, चुनाव से पहले इस दाम को असफल्टेयर करवाना चाहिए, चुनाव से पहले ये सड़क को असफल्टेयर हो जाना चाहिए, वरना अगर चुनाव से पहले असफल्टेयर नहीं होगा तो मुझे बहुत दुख होगा कि शायद ये रास्ता कभी नहीं होगा। भाई बहनों अच्छा से रहियो, हम आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।